सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लेफ्ट हैंड में आइटम्स को होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने लेफ्ट और राइट हैंड में दोनों में आइटम्स होल्ड कर रखे हैं, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा कि कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लेफ्ट हैंड में आइटम्स को कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लेफ्ट हैंड में आइटम्स को होल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना होगा। जी हाँ, आपको एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम टीटी रख देता हूँ और क्रिएटिव कर लेता हूँ। आपको भी एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देना है। पहला स्टेप है, आपको सिंपली एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ मेरा वर्ल्ड क्रिएट होने ही वाला है और ये देखिए मेरा यहाँ वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और मेरे कैरेक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। बस आपको वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड क्विट कर देना है। यहाँ मैंने सेव एंड क्विट किया और अपने माइनक्राफ्ट से एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ मैं एग्जिट कर लेता हूँ माइनक्राफ्ट को, ठीक है। ये सब कर लेने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप का नाम है ब्लॉक टोपोग्राफ। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर इसका नाम है ब्लॉक टोपोग्राफ, तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है और यहाँ देखिए मैंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया था टीटी के नाम से। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो एरो दिख रहा है, एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ मैप दिख जाएगा, जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है जो आपने क्रिएट किया होगा उसका मैप दिख जाएगा। अब आपको सिंपली लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट स्वाइप जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ जो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन सिंगल प्लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको अब यहाँ पर जो रेड फाइल दिख रही है उस रेड फाइल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने रेड फाइल पे क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए रेड फाइल पे क्लिक करके यहाँ देखिए कितने सारे आपको ऐसे इंटरफेस आ जाएंगे। अब आपको सिंपली ऑफ हैंड यहाँ सर्च करना है। तो यहाँ मैं ऑफ हैंड खोज लेता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये ऑफ हैंड, ये देखिए अब आपको ऑफ हैंड पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पर फिर एक रेड फाइल दिखेगी, फिर रेड फाइल पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे एडिट करना है। काउंट में आपको 1 लिखना है और डैमेज में आपको 1 लिखना है और नेम आप यहाँ पर पहले तो आपका माइनक्राफ्ट लिखना है, ठीक है। माइनक्राफ्ट में एम कैपिटल होगा और आपको जो डबल डॉट होता है वो लिखना है और आपको जो भी आइटम्स पकड़ना है उसका नाम लिखना है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर आपको डायमंड पिकैक्स करना है तो आपको डायमंड अंडर इसको पिकैक्स लिखना होगा। यहाँ मैं अभी टॉर्च लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पर अभी टॉर्च भी लगा सकते हैं। मैं अभी टॉर्च लिख रहा हूँ तो यहाँ टॉर्च लिख देने के बाद आपको सिंपली सेव्ड कर देना है। सेव्ड कर देने के बाद आपको यहाँ से इसको हटा देना है। इस ऐप को सेव्ड करने के बाद सिंपली आपको अब अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, तो माइनक्राफ्ट को ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसी वर्ल्ड में चले जाना है। तो यहाँ मैं फिर से प्ले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टीटी वाले वर्ल्ड पे फिर से क्लिक करता हूँ और इस वर्ल्ड में मैं इंटर हो जाता हूँ। सो गाइस, तो मेरा यहाँ वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो वर्ल्ड को क्रिएट होने देना है। जैसे ही वर्ल्ड क्रिएट होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड में टॉर्च आ चुका है। मैं दोनों हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने स्वॉर्ड ले लिया और ये देखिए मेरे दोनों हाथ में, एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में स्वॉर्ड आ चुका है। अब इस टॉर्च से रोशनी निकालनी है तो आपको एक मॉड डाउनलोड करना पड़ेगा। उस मॉड का नाम है रियल लाइट मोड। ये रियल लाइट मोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप रियल लाइट मोड डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।